हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि BTC का प्राइस बहुत ज्यादा बुलिश हो रहा है, और उसका मेन रीजन भी यही था कि ब्लैक रॉक का जो ETF है वो लिस्ट हुआ था DTCC वेबसाइट के ऊपर। लेकिन अभी बहुत बुरी न्यूज आई है जिसकी वजह से सडनली फिर से BTC की डोमिनेंस कम हो रही है, मार्केट कैप ओवरऑल क्रिप्टो करेंसीज का नीचे जा रहा है, और हम देख पा रहे हैं कि BTC का प्राइस भी लगभग $33,000 के आसपास जा गिरा है। तो एक्चुअल में हुआ क्या है, क्योंकि हमेशा की तरह जब भी कोई अच्छी न्यूज़ आती है उस अच्छी न्यूज़ के साथ साथ कोई बुरी न्यूज़ भी जुड़ी होती है जिसकी वजह से मार्केट फिर से नीचे गिरती है। हालांकि सब कुछ प्लान्ड ही होता है, लेकिन ऐसा इस बार एक्सपेक्टेड नहीं था। इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद सच में ETF लिस्ट हुआ है, क्योंकि पूरा लिस्ट में दिख रहा था, हर एक चीज़ दिख रही थी। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने आपको लगभग 4 अपडेट्स दी थी, उनमें से सिर्फ एक अपडेट जो है ब्लैक रॉक की, सिर्फ उसकी एक नेगेटिव न्यूज आई, क्योंकि वही सबसे ज्यादा पॉजिटिव न्यूज थी और उसी का बुरा इंपैक्ट पड़ रहा है अभी क्रिप्टो मार्केट के ऊपर। तो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। जैसे कि लास्ट वीडियो चेक कर सकते हैं जिसमें मैंने आपको हर एक डिटेल्स बहुत ज्यादा डीपली डिटेल दी है कि क्रिप्टो मार्केट इस वक्त बुलिश क्यों है, तो वो वीडियो जाकर चेक शुरू करना, क्योंकि उसमें सब कुछ बताया गया है। लेकिन उसमें से एक जो न्यूज थी जो सबसे ज्यादा बुलिश थी, वो अभी बुलिश की जगह बेरिश बन चुकी है। तो एक्चुअल में जो ब्लैक रॉक का iShares बिटकॉइन स्पॉट ETF था IBTC के नाम से, वो अभी रिमूव कर दिया गया है DTCC वेबसाइट से। तो ये सबसे बुरी न्यूज है जो कि हम कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, और इसका जो रीजन बताया गया वो यही बताया जा रहा है कि SEC ने शायद अभी वेट करने को बोला है। हालांकि अभी SEC के हाथ में नहीं है कि इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाए या फिर लिस्टिंग को रिजेक्ट किया जाए, लेकिन फिर भी उन्होंने वेट करने को बोला है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो रीज़न बनता है वो यही बनता है। लेकिन हमारे सभी क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बुरी खबर है। जिन लोगों ने अभी इस वक्त लॉन्ग किया हुआ है तो एक बार अपनी पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ कर दो, या फिर लॉन्ग या शॉर्ट ना करें, क्योंकि इस वक्त समझ नहीं आ रहा है कि सच्चाई क्या है। क्योंकि अगर हम DTCC की वेबसाइट के ऊपर भी जाते हैं ताकि हम चेक कर पाए कि एक्चुअल में क्या है, तो वो भी हम चेक नहीं कर पा रहे हैं। DTCC की जो वेबसाइट है वो इस वक्त डाउन हो चुकी है, इनका जो SSL हैंडशेक यहाँ फेल्ड दिखा रहा है, एरर कोड 525। तो एक्चुअल में इसका मेन रीज़न ये है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो चुका है। ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से कोई भी इस चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकता कि क्या वहाँ पे अभी जो IBTC का एक ETF था, क्या वो अभी भी लिस्टेड है या नहीं है। तो हमें इस चीज़ की वेट करनी पड़ेगी, क्या सच में इसको रिमूव किया गया या नहीं किया गया। क्योंकि जब से ये न्यूज़ फैली है मार्केट में, तो ये तेज़ आँख की तरह फैली है, क्योंकि नेगेटिव होने की वजह से हर कोई चाहता है कि वो सच जान पाए कि क्या सच में DTCC से इसको अनलिस्ट किया गया या नहीं किया गया। लेकिन जैसे आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि यहाँ पे SEC का मानना यही है कि वो वेट करवाना चाहते हैं अभी ब्लैक रॉक को या फिर शायद बाकी ETFs को भी, ताकि सडनली इस तरीके से एकदम से कोई भी इन्वेस्टमेंट्स ना आए क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर या फिर किसी भी ETF के ऊपर। तो इस वक्त वेट करना ही एक बेहतर ऑप्शन रहेगा। तो DTCC की वेबसाइट अभी एक्सेस नहीं होगी, तो इसकी हम वेट करते हैं। जब तक ये एक्सेस होनी शुरू हो जाएगी मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर अपडेट कर दूंगा, या फिर हमारे ट्विटर के ऊपर आपको हर एक चीज़ बता दूंगा। अब इसी के साथ वीडियो एंड करने से पहले आपको मैं 2-3 कॉइन्स बताना चाहता हूँ जो मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था, तो वो मैं आपको अभी इसी वीडियो में बता देता हूँ। तो एक्चुअल में जो मीना कॉइन है, तो बहुत लंबे समय से इस कॉइन ने प्रॉफिट नहीं दिया था, जो कि 2021 में बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट देने वाला कॉइन था, लेकिन बेयर मार्केट होने की वजह से कुछ भी हमें नहीं दिखा। लेकिन अभी एक बड़ी अपडेट यह है कि मीना की लिस्टिंग नहीं बल्कि उससे भी बड़ा स्टेप हुआ है कि मीना का जो नेटवर्क है उसको डिपॉजिट करने के लिए यूज़ किया जाएगा, और ये एक्सचेंज है अपबिट एक्सचेंज। तो अपबिट एक्सचेंज के ऊपर मीना नेटवर्क को यूज़ किया जाएगा, जैसे कि जनरली हम BNB का BAP20 यूज़ करते हैं, ट्रॉन का TRC20 यूज़ करते हैं, या फिर इथेरियम का ERC20 यूज़ करते हैं। तो काफ़ी सारे नेटवर्क्स हैं, जैसे कि अभी और एग्जांपल्स की बात करें तो सोलाना भी है या फिर पॉलीगॉन नेटवर्क भी है। सिमिलरली मीना का नेटवर्क यूज़ किया जाएगा डिपॉजिट्स के लिए। तो ये वन ऑफ द बेस्ट न्यूज़ है जिसकी वजह से हम देख पा रहे हैं कि मीना में लगभग 120% का प्रॉफिट हमें आज के दिन में ही देखने को मिला है। क्योंकि यहाँ पे एक और चीज़ बताई गई है साउथ कोरिया की इस सबसे बड़ी एक्सचेंज के द्वारा कि मीना को क्यों यूज़ किया जा रहा है। मीना को कोरियन फिएट करेंसी ट्रेडिंग पेयर के लिए यूज़ किया जाएगा, और इस नेटवर्क को इसलिए यूज़ किया जा रहा है क्योंकि ये लाइट ब्लॉकचेन है और ये ब्लॉकचेन कांस्टेंट रहने वाली है, चाहे इसके ऊपर कितना ही ग्रोथ क्यों ना आ जाए, क्योंकि ये जीरो नॉलेज प्रूफ के बेसिस पर बनी है। तो जेड के प्रूफ आपने कई जगह पढ़ा होगा, और उसी के बेसिस पर मीना नेटवर्क को यूज़ किया जाएगा। तो ये पहली चीज़। और दूसरा आपको बताना था कि पेपे कॉइन में भी आपको एक बहुत बड़ा प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा ऑलरेडी। तो पेपे कॉइन की कई सारी अपडेट्स हैं, लेकिन इसमें से खास और सबसे बड़ी अपडेट, जो मेजर अपडेट है, वो ये कि 6.9 trillion पेपे कॉइन्स को बर्न किया गया आज के दिन। तो इतने बड़े बर्न की वजह से हम देख पा रहे हैं कि पेपे कॉइन में भी एक बहुत बड़ा प्रॉफिट देखने को मिला है। तो मीना और पेपे आज के दिन सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, टॉप के ऊपर चल रहे हैं ऑलरेडी।
और ये आप इनका एड्रेस भी देख सकते हैं, इस एड्रेस के ऊपर बताया है कि इन्होंने कितने कॉइन्स बर्न किए, 6.9 ट्रिलियन यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, जो कि लगभग 16-17 घंटे पहले किए गए थे। तो ये दूसरा कॉइन था। तीसरे कॉइन का आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि उसमें अभी पोटेंशियल बाकी है, पोटेंशियल कहने का मतलब अभी उसमें प्रॉफिट आना बाकी है, उसमें आप प्रॉफिट अभी भी अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो जी हाँ, हम बात करने वाले हैं फ्लॉकी कॉइन के बारे में। तो फ्लॉकी इनू के बारे में हम बात करने वाले हैं। फ्लॉकी इनू वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेटिंग रहा है, अगर हम बाइनेंस की बात करें वहाँ पे गेमिंग सेक्शन में टॉप में रहा है, उस फ्लॉकी के बाद सैंड एएक्सएस माना जो कि वन ऑफ द बेस्ट कॉइन्स हैं उनके भी ऊपर रहा है फ्लॉकी इनू। इसी के साथ कुछ और अपडेट्स के आपको अगर बताऊं तो फ्लॉकी इनू अपना एक खुद का नया टोकन लेके आने वाला है बहुत जल्द, जो कि अक्टूबर 27 को लाएगा। आज अक्टूबर 24 है तो 2 दिन की बात है। तो ये टोकन स्पेशली होने वाला है रिवॉर्ड्स देने के लिए, यानी कि अगर हम स्टे करते हैं रिवॉर्ड्स उसके ऊपर जो मिलेंगे वो इस नए टोकन के द्वारा हमें मिलने वाले हैं, जिसको अभी तक फिलहाल तो सिर्फ सिस्टर टोकन के नाम से बताया जा रहा है कि अपना खुद का सिस्टर टोकन लेके आने वाले हैं। जनरली क्या होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट अपनी कॉइन्स का या फिर अपनी वेबसाइट का नाम रिवील नहीं करते, क्योंकि अगर जल्दी रिवील करते तो उससे क्या होता है कि साथ के साथ कई सारे फेक कॉइन्स भी आ जाते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि फ्लॉकी में भी पिछले 7 दिनों के अंदर लगभग 40-50% का प्रॉफिट देखने को मिला है, क्योंकि इसकी कई सारी लगातार पॉजिटिव अपडेट्स देखने को मिल रही हैं। तो फ्लॉकी, एक और चीज़ आपको बता दूं कि ये एक उनमें से कॉइन है, मीम कॉइन्स में से एक, जो कि डॉज और शिबा से भी ऊपर चल रहा है इस वक्त, वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडेड टोकन्स में से एक बन चुका है, क्योंकि पिछले दिन ये $200 मिलियन का डेली स्पॉट ट्रेडिंग इन्होंने हासिल किए सारे एक्सचेंजेस का अगर हम मिलाते हैं। तो मेरे हिसाब से पहले फ्लॉकी सिर्फ और सिर्फ एक मीम कॉइन के नाम से था, लेकिन आज के समय में अगर हम बात करें तो मीम से ऊपर कई गुना आगे बढ़ चुका है। अगर हम गेमिंग की बात करें, मेटावर्स की बात करें या फिर अपने इकोसिस्टम बिल्डिंग की बात करें, तो ये बहुत तेजी से लगातार बढ़ाता जा रहा है अपने इकोसिस्टम को। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी अपडेट जो फ्लॉकी की होने वाली है वो यही है कि इसका जो सिस्टर टोकन लॉन्च होगा रिवॉर्ड्स देने के लिए, वो पूरा गेम चेंजर होने वाला है, पूरी की पूरी छवि बदल देगा फ्लॉकी की। तो हम इसकी वेट करेंगे। तो आज के दिन मैंने आपको 3 कॉइन्स का बताया, फ्लॉकी, पेपर कॉइन और इसी के साथ मीना टोकन। मीना एक्चुअल में बहुत अच्छा कॉइन है। इसी के साथ अगर आपको शिबा के अपडेट्स चाहिए या फिर किसी और कॉइन के अपडेट्स चाहिए, नीचे कमेंट कर दो, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। लेकिन आज का दिन बहुत अच्छा भी रहा, लेकिन इस सडनली बहुत बुरा भी हो गया, जैसे कि आपको बताया कि पहले इतनी ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट्स थी, जो आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि BTC इतना ज़्यादा बुलिश था, लेकिन सडनली एक ऐसी अपडेट आई या फिर जो DTCC की वेबसाइट डाउन हो चुकी है उससे और भी ज़्यादा नेगेटिविटी फैलनी शुरू हो चुकी है कि क्या ये सच में अभी जो लिस्टिंग है दोबारा कभी होगी भी या नहीं होगी ETFs की, या फिर ETFs इसी तरीके से रह जाएंगे। क्योंकि ETF ही एक सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि इससे क्या कि अडॉप्शन BTC की या फिर क्रिप्टो करेंसीज की मेन स्ट्रीम में बढ़ती है। अगर अडॉप्शन बढ़ेगी तो डेफिनेटली BTC का प्राइस और सारे ऑल्टकॉइंस का प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन अगर ऐसे सिनेरियो रहा तो शायद बेयर मार्केट ही रहने वाली है। आपका क्या मानना है इसके बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हमेशा पहुँच रहे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।